गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमेया सृष्टि। तो आज हम बनाने वाले हैं कच्चे आम की मीठी चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं। कच्चे आम की मीठी चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो कच्चे आम, इसे ऐसे काट लिए हैं। और ये 150 ग्राम चीनी लिए हैं और 150 ग्राम गुड़ लिए हैं। और मसाले में हमें चाहिए एक छोटी चम्मच पाँच फोरन, दो सूखी लाल मिर्च और दो तेजपात, और आधी छोटी चम्मच नमक लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रखे हैं। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल और इसे गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे 5 फोरन, सूखे लाल मिर्च और तेजपात, और इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे कटे हुए आम और इसे मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक और इसे आम के साथ मिक्स कर देंगे। नमक डालने से जो आम है वो जल्दी गलना शुरू हो जाएगा। अब हम इसे कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे। तो कवर हटाते हैं। देखिए ये जो आम है वो गलना शुरू हो गया है। इसे चला के फिर कवर कर देंगे और इसे 5 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे। 5 मिनट बाद कवर हटाएंगे, इसे मिक्स करेंगे। आम जो है वो सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें चीनी और गुड़ दोनों को एक साथ डाल देंगे। और इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसे कवर करके लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि चीनी और गुड़ अच्छे से गल जाए। तो देखिए यहाँ पे ये चीनी और गुड़ एकदम मेल्ट हो चुका है। अब इसे बिना कवर किए 3 से 4 मिनट पकाएंगे और इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुका है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो आम की खट्टी मीठी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।